अजय जी, M6 कॉटन में देख रहे हैं हम कि कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, 48,000 के बेहद करीब है, 200-300 पॉइंट की दूरी पर है। आपने साल 2021-2022 की शुरुआत में ही आपने जो आउटलुक दिया था कॉटन का, आपने सबसे पहले यही बताया था कि 2022 में कॉटन सफेद सोना के नाम से जाना जाएगी, वही हम होता हुआ देख रहे हैं। 50,000 के लगभग गोल्ड ही है और 50,000 के करीब कॉटन ही है। तो अब यहां से कॉटन का जो ट्रेंड है वो कैसे रहने वाला है आगे, 50,000 के बाद अब आगे क्या होगा कॉटन में? देखिए, मुझे लगता है ग्लोबल मार्केट में सबका जो रुझान है वो ऑयल सीड की तरफ ज्यादा है, जिसके चलते मुझे लगता है कि एरिया अंडर कल्टीवेशन जो है ग्लोबल मार्केट में टूटेगा। बट टूटने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग ग्रोथ ही देखेंगे। आप ये समझे, जनवरी में जो भाव तेज था तो सबकी उम्मीद थी कि जो एरिया है वो 30-40% से बढ़ जाएगी। बट अब जिस दिन से कॉम्पिटेटिव प्राइजेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर दूसरे क्रॉप को लेकर, तो मुझे लगता है 30-40% की इजाफा नहीं होगा एरिया में, होगा जरूर 8-10% ज्यादा। ये पैसिविस्टिक कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट कर रहा है। इनफैक्ट यूएस में भी हमने टेक्सास के अंदर वेदर कंडीशन काफी हार्ड देखा है, जिसकी वजह से 140 सेंट के ऊपर आराम से प्राइजेस ट्रेड कर रहा है। अभी भी मुझे पूरा यकीन है जो फंडामेंटल्स है, ये 200 सेंट तक का लेवल अक्टूबर से पहले पहले दिखा देगा। बट हाँ, अगले 15-20 दिन महीने भर की बात करें तो गवर्नमेंट एक्शन या थोड़ी स्लोइंग प्रोग्रेस को देखते हुए प्राइजेस को एक कूल ऑफ मिल सकता है, बट शॉर्ट करने का सजेशन नहीं है। कहीं पर भी ड्रॉप नहीं है, लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट अगर कॉटन की बात करें तो 50,000 है, बट अगर कोई 3-4 महीने की अवधि की बात करें तो नीचे में 40 से लेकर 36,000 का रेंज एक बार नीचे मिल जाए, बट ऊपर में 6 करोड़ दिखा देगा और इंटरनेशनल में 200 सेंट। जी, फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।